गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल। आज के इस व्याख्यान में मैं प्रॉन पेलीमोन या झींगा मछली उसके नेत्र में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इस बारे में डिस्कस करूँगा। प्रतिबिंब उसके रेटिना पर एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा बनता है। प्रॉन में प्रॉन क्रस्टेशिया का एनिमल है जो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है, नॉन कॉर्डेट के अंदर। तो प्रॉन या पेलीमोन में एक जोड़ी काले एवं अर्ध गोलाकार आईज होती हैं। प्रत्येक नेत्र एक द्विसंधित व्रंथ के ऊपर, एक स्टाक के ऊपर स्थित होता है। प्रत्येक नेत्र अनेक दृष्टि इकाइयों का बना होता है। कंपाउंड आइस के अंदर क्या होती हैं, अनेक दृष्टि इकाइयां होती हैं और इन दृष्टि इकाइयों को ओमेटिडिया कहते हैं। OMMATIDIA ओमेटिडिया, ये इसकी यूनिट होती है कंपाउंड आइस की। इस प्रकार के नेत्र क्या कहलाते हैं, संयुक्त नेत्र कहलाते हैं। एक नेत्र में 2500 के लगभग नेत्रांशक पाए जाते हैं या ओमिटिडिया पाए जाते हैं। ये रचना में समान तथा आर्य रूप में व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक ओमिटिडिया में या नेत्रांशक में अनेक कोशिकाएं इसके केंद्रीय अक्ष के साथ व्यवस्थित रहती हैं। सभी दृष्टि इकाइयां संयुक्त रूप से क्यूटिकल के एक पारदर्शी काइटिनी आवरण से ढकी रहती हैं, एक शीत से ढकी रहती हैं जो कि काइटिन का बना होता है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के बाहर सतह पर अनेक वर्गाकार फलक होते हैं। कीटों के नेत्रों में ये फल या फलक हेक्साकोनल होते हैं, षटभुजाकार होते हैं। प्रत्येक कॉर्निया तटों पर पतला और बीच में मोटा होकर एक द्वि उत्तल बाई कॉन्वेक्स कॉर्निया लेंस बनाता है, जो बाई कॉन्वेक्स कॉर्निया लेंस की रचना करता है। लेंस के नीचे दो कार्नियोजन सेल्स पाई जाती हैं। दो क्या होती हैं, कार्नियोजन सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जो रूपांतरित एपिडर्मिस की होती हैं, एपिडर्मल सेल्स होती हैं। एपिडर्मिस या एपिडर्मिक कोशिकाएं होती हैं। कार्नियोजन कोशिकाओं के नीचे चार लंबी शंकु कोशिकाएं होती हैं, कोन सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, कार्नियोजन कोशिकाओं के नीचे चार लंबी कोन सेल्स होती हैं, जैसा कि वर्टिब्रेट्स में होती हैं उसी प्रकार से कोन सेल्स होती हैं, शंकु कोशिकाएं होती हैं, जो एक पारदर्शी समांग क्रिस्टलीय शंकु का निर्माण करती हैं। नेत्र में कॉर्निया से कोन कोशिकाओं से थोड़ा दूर सुदूर सिरों तक का भाग अपवर्तन क्षेत्र कहलाता है। अपवर्तन फिजिक्स में आपने पढ़ा है, वही वाला अपवर्तन है, ये अपवर्तन क्षेत्र कहलाता है। यह प्रकाश को अंदर के संवेदी भाग या ग्राही भाग के क्षेत्र पर फोकस करता है। शंकु कोशिकाओं के अंदर एक लंबी तर्क रूप छड़ रैबडोम पर स्थित रहती है। रैबडोम का स्त्राव इसके चारों ओर उपस्थित सात लंबी रेटिनल कोशिकाओं के एक समूह से होता है। ये रेटिनल कोशिकाएं, रेटिनल कोशिकाओं के समूह से होता है।
और रेबडॉम और रेटिनल कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, नेत्र का रिसेप्टर क्षेत्र बनाती हैं, ग्राही क्षेत्र बनाती हैं। इसके अंदर के सिरे एक आधारी कला पर टिके रहते हैं, एक बेसमेंट मेंबर मेम्ब्रेन पर टिके रहते हैं, आधारी कला अर्थात बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिके रहते हैं। और इस झिल्ली के पश्चात ये ऑप्टिक गैंग्लियन से तंत्रिका कोशिकाओं के साथ सतत रहते हैं। और दृष्टि गुच्छिका या दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक नेत्रांशक या ओमेटिडियम पास के या पड़ोसी ओमेटीडिया से गतिशील अमीबाब काली वर्ण की कोशिकाओं या क्रोमेटोफोर्स के आवरण द्वारा सेपरेट रहते हैं या पृथक रहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो नेत्रांशक या ओमेटीडियम है तो ओमेटीडियम सिंगुलर है और ओमेटीडियो प्लूरल है, बहुवचन है ओमेटीडिया, ओमेटीडियम एक वचन है। तो यहाँ क्या है, प्रत्येक दृष्टि गुच्छिका दृष्टि तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी रहती है और प्रत्येक नेत्रांशक या ओमेटीडियम पास के या पड़ोसी ओमेटीडिया से गतिशील अमीबाव काली वर्ण की कोशिकाओं या क्रोमेटोफोर्स के आवरण द्वारा पृथक रहते हैं। ये दो क्रमों में व्यवस्थित रहते हैं, बाहरी क्रम जो कोन कोशिकाओं के साथ वह आयरिस वर्णक कहलाता है, जबकि अंदर की ओर स्थापित क्रम जो रेबडोमों को एक दूसरे से पृथक रखता है रेटिनी वर्णक कहलाते हैं। इनके अंदर जो दृष्टि होती है पेलिमोन में या प्रॉन में, ये मोजाइक दृष्टि के सिद्धांत पर आधारित होती है। मोजाइक मतलब पच्चीकारी, चटाई जैसा। तो मोजाइक दृष्टि क्या होती है, इसका एक सिद्धांत है जिसको विजन का मोजाइक दृष्टि सिद्धांत कहते हैं। इसमें होता क्या है कि अपवर्तन नेत्र प्रकाश को ग्राही या संवेदी नेत्र रिसेप्टर रीजन पर फोकस करता है, संयुक्त नेत्र चारों ओर घूमकर जंतु को 360 डिग्री का दृष्टि नेत्र उपलब्ध करवाता है। अर्थात इनकी जो विजन होती है, वो जो इनकी आईज होती हैं वो एक स्टाक पर जुड़ी हुई होती हैं और ये आईज 360 डिग्री के विजन रखती हैं, सब तरफ देखती हैं 360 डिग्री पर। प्रत्येक ओमेटीडिया में किसी भी दृश्य के छोटे से छोटे भाग के पृथक पृथक बिंब बनते हैं। ये है मूल रूप से कंपाउंड आई का सिद्धांत। प्रत्येक ओमेटीडिया जो इसकी यूनिट होती है आईज की, इसके अंदर किसी भी दृश्य के किसी भी ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे भागों के अलग अलग इमेज बनती हैं, बिंब बनती हैं। इसी प्रकार के अनेक टुकड़ों से बना प्रतिबिंब मोजाइक कहलाता है। और इस प्रकार जंतु अल्प से अल्प गति को भी देख सकता है और इस प्रकार की दृष्टि क्या कहलाती है, मोजाइक विजन कहलाती है। इस डायग्राम में आप देखिए, ये कॉर्निया है ऊपर वाला हिस्सा, ये कॉमेजन सेल्स होती हैं, क्रिस्टलाइन कोन होते हैं इसके नीचे, ये कोन सेल्स या वर्टिलिया होते हैं इसके अंदर, ये जो रीजन है ये देखिए
डॉप्टिक रीजन होता है ये, और ये आयरिस है, यहाँ पर आयरिस पिगमेंट होते हैं। इसके नीचे ये रेटिनल सेल्स होती हैं, और ये जो इसके सेल्स एक 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 सेल को अलग निकाल के दिखाया है, ये सेल्स रैबडोम कहलाती हैं, और रिसेप्टर रीजन है ये, यहाँ पर इमेज को रिसीव किया जाता है, और ये रेटिनल पिगमेंट इनके बाहर की तरफ लगे होते हैं, और ये किस पर टिकी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी होती है, आधारी उपकला पर टिकी होती है। इसके पीछे की तरफ नर्व सेल्स होती हैं या नर्व फाइबर होते हैं, और नर्व फाइबर्स आगे चलकर ऑप्टिक गैंग्लिया से जुड़े हुए होते हैं, और ये नर्व फाइबर ऑप्टिक गैंग्लिया के द्वारा ऑप्टिक नर्व से जुड़े होते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये एक पैलीमोन के कंपाउंड नेत्र के हिस्टोलॉजी है। इसमें रोमेटिडिया जो है नेत्रांशकों का अनुदैर्ध्य परिच्छेद भी दिखाया हुआ है, शंकु कोशिकाओं से एक नेत्रांशक का अनुप्रस्थ परिच्छेद, शंकु कोशिकाओं के आधारी सिरे का अनुप्रस्थ परिच्छेद, रेटिना कोशिकाओं का अनुप्रस्थ परिच्छेद, तो ये सब इसके अंदर दिखाया हुआ है। इस ध्यान इसको डायग्राम को कई बार बनाने की प्रैक्टिस कर लें, इम्पॉर्टेंट है, इससे ही इसको समझाया जाएगा। और इंसेक्ट्स में दो प्रकार के बिंब बनते हैं, स्तराधान प्रतिबिंब, एपोजिशन इमेज कहते हैं जिसको, और दूसरा होता है अध्यारोपण प्रतिबिंब, सुपरपोजिशन इमेज। तो इसमें डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एपोजिशन इमेज और सुपरपोजिशन इमेज क्या होती हैं। तो एपोजिशन इमेज या स्तराधान इमेज में क्या होता है, इस प्रकार का बिंब तीव्र प्रकाश से बनता है। जब तेज लाइट होती है, ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट होती है, उससे बनता है, तथा इसमें प्रकाश ओमेटीडियम में किसी कोण से या सीधे प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया में समीपस्थ व दूरस्थ रेटिनल वर्णक फैलकर एक पर्दे का काम करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश किरणों को एक ओमेटीडियम से दूसरे में प्रवेश करने से रोक देता है, और प्रकाश किरणें कोण या रैबडोम के केवल अक्षीय क्षेत्र में प्रतिबंधित रह जाती हैं, और मोज़ेक प्रतिबिंब बनता है। ओमेटीडियम की संख्या जितनी अधिक होती है, प्रतिबिंब उतना ही अधिक चमकीला बनता है। तो ये ओमेटीडियम जो इसके यूनिट होती हैं कंपाउंड आई की प्रॉन के अंदर ओलेपैलीमोन में, इनके संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए तो प्रतिबिंब बहुत अच्छा स्पष्ट बनता है। ये सिद्धांत है ओपोजिशन सिद्धांत का, ये स्तराधान प्रतिबिंब का। दूसरा सिद्धांत है अध्यारोपण प्रतिबिंब। अध्यारोपण को अंग्रेजी में कहते हैं सुपरपोजिशन इमेज, और इस प्रकार का बिंब मंद प्रकाश से बनता है। ये खासतौर से रात्रि के समय इसमें पिगमेंट सेल्स या वर्णक कोशिकाएं संकुचित हो जाती हैं, और प्रकाश किरण एक ओमेटीडियम से दूसरे ओमेटीडिया में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण ओमेटीडिया संयुक्त रूप से कार्य करने लग जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि तिरछी प्रकाश किरणें भी अपने मार्ग में आने वाले ओमेटीडियम से गुजरकर किसी दृश्य का प्रतिबिंब बनाती हैं। इस प्रकार बना प्रतिबिंब एक दूसरे को अध्यारोपित करता हुआ सतत प्रतिबिंब प्रतीत होता है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब चमकीला नहीं होता है। प्रॉन के अंदर या पैलीमोन में संयुक्त नेत्र क्रमशः एपोजिशन एवं सुपरपोजिशन, मतलब तेज प्रकाश में और मंद प्रकाश में इमेज बनाने हेतु समायोजित हो जाते हैं, और वह दिन व रात दोनों में देख सकने में सक्षम होता है, अर्थात प्रॉन
अंधेरे में भी और बहुत तेज रोशनी में, सूर्य की रोशनी में, दिन में भी, पानी में जब चमक बहुत होती है धूप के कारण, तब भी यह देख सकने में सक्षम होता है। एक अन्य डायग्राम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। इसमें क्या है कि ये है क्रिस्टलाइन कोन, ये रैबडोम है इसके नीचे, और उसके बाहर की तरफ पिगमेंट लगा हुआ है। ये एक्स वाई जेड जो हैं ये प्रकाश के किरणें हैं जो कि उसके क्रिस्टलाइन कोन के ऊपर आँख के रेटिना पर पड़ती हैं। तो ये एपोजिशन इमेज है जो कि तीव्र प्रकाश की स्थिति में बनती है। इसमें एक्स वाई जेड क्या है, लाइट के सोर्स हैं। इस लाइट के सोर्स को यहाँ रिसीव किया जाता है क्रिस्टलाइन कोन के ऊपर, और ये पीछे की तरफ रैबडोम से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ये इसको यहाँ मैग्नीफाई करके इस डायग्राम में दिखाया है। यहाँ क्रिस्टलाइन कोन है ये, और ये एक्स वाई जेड, दिस एक्स वाई और जेड, ये इसके लाइट के सोर्स हैं, ये पिगमेंट्स हैं इसके, और ये रैबडोम सेल्स हैं। इसी डायग्राम को यहाँ पर आवर्धित करके दिखाया गया है। तो एक्स वाई जेड पॉइंट्स ऑफ लाइट सोर्स शोइंग सुपर पोजिशन इमेजेज, वेयर एज एक्स शोइंग एपोजिशन कंडीशन। तो ये इसका एक लाइन डायग्राम है, इसके द्वारा इसको समझाया गया है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको प्रॉन में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। नमस्कार।